अवैध धान परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी। 3 अलग अलग मामलों में 970 बोरा धान कोमाखान पुलिस ने किया जब्त। महासमुंद जिला कोमाखान थाना टीम के द्वारा क्षेत्र में चल रहे अवैध धान परिवहन के मामले में कार्यवाही करते हुए 3 अलग अलग मामलों में 970 बोरा धान जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए कोमाखान पुलिस की टीम ने सुअर माल मार्ग पर मेटाडोर में अवैध परिवहन हो रहे धान पर कार्यवाही करते हुए गाड़ी सहित 100 कट्टा धान जब्त किया। वहीं दूसरे मामले में अवैध धान परिवहन पर कार्यवाही करते हुए मेटाडोर में ही खट्टी नर्रा मार्ग पर बिंद्रावन से लोंदा मुड़क की ओर जाने वाले मार्ग पर 90 कट्टा धान जब्त किया है। साथ ही तीसरे मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से भंडारण कर रखे 780 कट्टा धान मंडी के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए जब्त किया गया। बता दें तीनों मामलों में कुल 970 कट्टा धान महासमुंद जिला कोमाखान थाना टीम ने जब्त करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए मंडी के सुपुर्द किया है।